मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी गो तस्कर नाजिम घायल हो गया, जबकि मुठभेड़ के दौरान उसका साथी मुरसलीन मौके से फरार हो गया। वहीं घायल गो तस्कर को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। SSP हेमराज मीणा के मुताबिक कटघर थाना इलाके में बीती रात लगभग 9 बजे देवापुर रुस्तक नगर रोड पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान बाइक पर दो संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो आरोपी रुस्तम नगर रोड पर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने पीछा करके रुस्तम नगर रोड पर एक खाली स्थान के पास बाइक सवारों को घेर लिया। इस दौरान पुलिस से खुद को घिरता देख बाइक सवार बदमाश ने फायर कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बच गया। जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। वहीं पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। SSP के मुताबिक आरोपी नाजिम कटघर और मुंडा पांडे थाने से वांछित चल रहा था, उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर का एक तमंचा और तीन जिंदा कारतूस बरामद किया है। वहीं मुठभेड़ की सूचना के बाद SPCT भी जिला अस्पताल पहुंचे, उन्होंने घायल से बातचीत कर जानकारी भी ली। देखिए, आज शाम में थाना कटघर क्षेत्र में एक नाजिम पुत्र नादिर है, ये खरक गांव थाना मुड़ा पांडे के रहने वाले हैं। आज इनको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। देवापुर से जो रुस्तमपुर का जो रास्ता जाता है, वहीं पे चेकिंग की जा रही थी पुलिस के द्वारा, और चेकिंग के दौरान में इनकी गिरफ्तारी हुई है मुठभेड़ के दौरान। जब इनको रोका गया तो इनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया और पुलिस के ऊपर 315 बोर के तमंचे से फायर भी किया गया। मौके से इनसे 315 बोर का तमंचा मिला है, कुछ जिंदा कारतूस मिले हैं, और इसके अलावा इनके पास एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये अभियुक्त है, इनके ऊपर इसमें इनाम भी घोषित किया गया था 25,000 रुपये का, और ये मुड़ा पांडे और थाना कटघर से बांछित चल रहे थे गोकसी के मामले में। आज इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके साथ में एक व्यक्ति और था जो कि भागने में सफल रहा है, उसकी पहचान करके उसके भी इसमें कार्रवाई की जा रही है।